डायरेक्टर लेक टंडन से जुड़ा एक किस्सा पूरी तरह से फिल्मी तो है ही और बेहद मजेदार भी। दरअसल लेक टंडन नेकी और बदी, बावरे नैन और शोखिया जैसी कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके थे। अब जैसा कि हर असिस्टेंट का सपना होता है, वैसे ही लेक टंडन भी असिस्टेंट का टैग उतार कर पूर्ण रूप से फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे। उनके एक राइटर दोस्त थे जिनका नाम था अबरार अलवी। अबरार साहब ने एक फिल्म की कहानी लिखी, नाम था प्रोफेसर। अब चूंकि स्क्रिप्ट लेक टंडन साहब ने खरीद ली थी तो वो इसे खुद डायरेक्ट भी करना चाहते थे। उस दौर के मशहूर अभिनेता और लेक टंडन के दोस्त शम्मी कपूर जी को इस बारे में पता चला। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तुरंत अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो ये फिल्म करना चाहते हैं। मगर साथ ही शम्मी कपूर साहब को ये लगता था कि इस कहानी के साथ लेक टंडन बतौर निर्देशक इंसाफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस फिल्म को वो किसी और बड़े डायरेक्टर से डायरेक्ट करवाना चाहते थे। लेक टंडन को बुरा लगा, कहा तो कुछ नहीं पर चुपचाप अपनी स्क्रिप्ट उठाई और बैग में रख कर निकल गए। अब उधर कहानी शम्मी कपूर साहब को इतनी पसंद आई कि वो इसे भूल नहीं पा रहे थे। शम्मी जी ने जब देखा कि लेक टंडन इस फिल्म को डायरेक्ट करने पर अड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर दोस्त एफसी मेहरा को कहा कि वो लेक टंडन को राजी करें। एफसी मेहरा ने समझाने की कोशिश की पर लेक जी नहीं माने। फाइनली एक दिन एफसी मेहरा ने लेक टंडन साहब को अपने ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बुलाया। लेक टंडन खुशी खुशी आए मगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पढ़कर चौंक गए। उसमें लिखा था कि लेक साहब सिर्फ 3 रील ही शूट करेंगे और अगर उनकी शूट की गई फुटेज सबको पसंद आती है तो ही वो आगे पूरी फिल्म कंटिन्यू करेंगे, वरना उन्हें जिद छोड़नी पड़ेगी और बाकी की फिल्म कोई दूसरा डायरेक्टर निर्देशित करेगा। यह उनकी काबिलियत को चुनौती वाली बात थी, रिस्क भी था, मगर कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेक साहब राजी हो गए। फिल्म की 3 रील शूट हुई और शायद बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार एक अधूरी फिल्म के लिए प्रीमियर रखा गया। राज कपूर साहब के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेक साहब इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए थे। जिसने भी वो फुटेज देखा उसने तालियां और सीटियां बजाई। डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस तक देने को तैयार हो गए थे। अब शम्मी कपूर साहब को भी विश्वास हो गया था कि लेक टंडन से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। फिल्म बनी, रिलीज हुई और 1962 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। ये सब क्या हो रहा है? अपनी किताबें ले क्यों नहीं बैठे तुम लोग? और इस तरह लेक टंडन साहब का रिस्क काम कर गया। बॉलीवुड नारद का ये किस्सा आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जय हिंद।